हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ द जर्नी ऑफ लर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल हमने पेज लेआउट टैब के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। आज हम सीखने वाले हैं रेफरेंसेस टैब के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट जिसमें हम कल काम कर रहे थे उसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ एक कुछ हमने मैटर रेडी करके रखा हुआ है। देखिए, हमने पहले फर्स्ट क्लास में होम के बारे में सीखा था, देन इंसर्ट के बारे में, कल हमने पेज लेआउट के बारे में सीखा, आज हम सीखने वाले हैं रेफरेंसेस टैब के बारे में। रेफरेंसेस टैब में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे 6 पोर्शंस में ये टैब डिवाइड हो रखा है। फर्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स, सेकेंड है फुट नोट्स, थर्ड है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, फोर्थ है कैप्शंस, फिफ्थ है इंडेक्स एंड लास्ट इज टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो फर्स्ट वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऑटोमेटिक टेबल के ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं जैसे ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया। दिस इज लाइक अ योर इंडेक्स पेज। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों कि आप इस पैराग्राफ में भी किसी को हेडिंग बना के टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? आप यहाँ पे इस पर एंटर कर कीजिए, नीचे आपका टेक्स्ट चला जाएगा। उसके बाद में जिसको आपको हेडिंग बनानी है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ऐड टेक्स्ट में जाइए। ऐड टेक्स्ट में जाके आप जैसे ही लेवल वन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हेडिंग बन जाएगा। अब हेडिंग बनने के बाद देखिए ये 3 हेडिंग हो गई आपके पास, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ 2 ही शो हो रही है। तो आप क्या करेंगे, अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है अपडेट एंटायर टेबल, उस पर क्लिक करके आप ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए वाटर पोल्यूशन की भी आपके पास हेडिंग आ गई है। तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन थे टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, ऐड टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट एंड अपडेट टेबल। होप आपको ये समझ आए होंगे। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फुट नोट्स। फुट नोट्स में यहाँ कुछ काफ़ी सारे मुझे ऑप्शन शो हो रहे हैं, मैं वन बाय वन सब पे क्लिक करके आपको बताऊंगी क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फुट नोट। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा वो आपको पेज के लास्ट में ले जाएगा। फुट नोट का मतलब क्या होता है, आपके पेज के लास्ट में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अपने पेज से रिगार्डिंग कुछ डालना चाहते हैं या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी से लिंक्ड है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट, एंड नोट क्या होता है, अगर आपको किसी पैराग्राफ के लास्ट में उसके बारे में कुछ बताना है, लाइक इन शॉर्ट कुछ आपको समझाना है, तो आप एंड नोट जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आपको एंड नोट चाहिए, जैसे मुझे इस पैराग्राफ के लास्ट में चाहिए तो मैं इंसर्ट एंड नोट करूँगी। तो यहाँ पे लिखा तो आप वो नीचे ही जाएगा, लेकिन जो उसका लिंक है आपको यहाँ पे शो होगा जहाँ पे आपने सिलेक्ट कर रखी पोजीशन। तो आप यहाँ पे अपना एंड नोट डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं उससे रिलेटेड। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट फुट नोट। नेक्स्ट फुट नोट मतलब कि आप अगर आप कोई और फुट नोट यहाँ डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ इसके थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए प्रीवियस फुट नोट, अगर कोई आपका पुराना है नेक्स्ट फुट नोट, तो जो भी आप डालना चाहते हैं मतलब प्रीवियस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद शो नोट्स। शो नोट्स में आपने जहाँ जहाँ पे फुट नोट या एंड नोट डाला होगा वो आपको शो करेगा। जैसे मैंने लिखा है व्यू फुट नोट एरिया, तो मैं ओके कर दूंगी तो जहाँ भी फुट नोट होगा वहाँ पे ये मेरे को सीधा ले जाएगा, ताकि मैं इजली चेक कर लूँ कि मेरा फुट नोट कहाँ डाला हुआ है। फुट नोट एरिया के बाद दोस्तों हम शो नोट्स में एंड नोट एरिया भी देख सकते हैं। जैसे ही मैं एंड नोट एरिया पे क्लिक करूंगी और ओके करूंगी तो जहाँ जहाँ पे मैंने एंड नोट डाले होंगे वहाँ पे मुझे डायरेक्ट ले जाएगा, जिससे कि मैं अपने एंड नोट चेक कर सकती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पे इंसर्ट करे हैं। दोस्तों ये ऑप्शन है फुट नोट्स के। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। सिटेशंस क्या होता है, जैसे हम इंसर्ट सिटेशन पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू सोर्स का ऑप्शन हमारे पास आएगा। मान लीजिए आपको कोई पैराग्राफ के लास्ट में कोई दिखाना है, इन्फॉर्मेशन देनी है कि पैराग्राफ किसने लिखा है या किस कौन इसका ऑथर है या कौन इसका राइटर है, तो आप इंसर्ट जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आप इंसर्ट सिटेशन पे जाइए, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कीजिए, देन आप यहाँ पे इसका ऑथर का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ डॉक्टर ए ने यहाँ पे डाला है। इसका जो टाइटल है मान लीजिए पोल्यूशन, मैं यहाँ डाल देती हूँ तब इन्होंने लिखा था 2019 में अगर इन्होंने लिखा है तो। उसके बाद अगर पब्लिशर का नाम आप डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपके देखिए
पैराग्राफ के लास्ट में आपके पास शो होगा सिटेशन कि ये किसने लिखा है और कब लिखा है। उसके आगे बढ़ते दोस्तों हैं मैनेज सोर्सेज का ऑप्शन। मैनेज सोर्सेज में जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया है। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो आप एडिट के ऑप्शन पर जाके इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपको न्यू क्रिएट करना है तो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते दोस्तों आपको एक किस स्टाइल में चाहिए, आपको जिस भी स्टाइल में यहाँ से चाहिए आपको स्टाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टाइल में आपको ये चाहिए। के आगे दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी में क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उससे जो रिलेटेड डिटेल्स आपने सिटेशन में डाली थी वो आपके नीचे बिब्लियोग्राफी में आ जाएगी कि वो किसने लिखा है, क्या टॉपिक था और कब लिखा गया था। अगर आपने पब्लिशर डाला है तो पब्लिशर का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों ये कुछ ऑप्शन है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के। आगे बढ़ते हैं हमारे कैप्शन की तरफ, इंसर्ट कैप्शन पे हम देखते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करा, अगर मान लीजिए मैंने कहीं पे कोई फिगर इंसर्ट कर रखी है मुझे वहाँ पे कैप्शन दिखाना है तो मैं यहाँ पे जहाँ भी मुझे चाहिए वो एरिया सिलेक्ट कर लेती हूँ, वहाँ पे प्लेस कर लेती हूँ अपने कर्सर को। उसके बाद मैं इंसर्ट कैप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगी मुझे जो भी कैप्शन चाहिए होगा, लाइक मान लीजिए फिगर वन का यहाँ कैप्शन आ रहा है, अगर मैं फिगर वन का यहाँ कैप्शन सिलेक्ट करती हूँ मैं ओके करती हूँ तो यहाँ देखिए फिगर वन लिखा आ गया है, ये पूरा यहाँ पे कैप्शन बन गया है कि इसके थ्रू हम आगे का पढ़ेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट फिगर इंसर्टेड है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। यहाँ पे अगर आपने टेबल बनाया होगा तो टेबल फिगर्स का टेबल बन जाएगा जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने यहाँ पे कोई फिगर नहीं सिलेक्ट करी हुई है इसीलिए यहाँ पे नहीं बन रहा है। देखिए लिखा आ गया नो टेबल ऑफ फिगर्स एंटायर फाउंड। अगर आपने यहाँ टेबल्स बना रखा फिगर्स डाल रखी होंगी 6-7 तो उसका एक टेबल बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका वो टेबल बन जाएगा आप अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन हमने पहले भी इसमें सीखा था। अगर आपको किसी भी जैसे हमने बुक मार्क में सीखा था कि हमें रेफरेंस चाहिए, उसी तरीके से आप इधर भी जिस भी चीज़ का आपको रेफरेंस चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ एंटर कर सकते हैं जहाँ भी आपको चाहिए। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मार्क एंट्री। मार्क एंट्री ऑप्शन क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी पैराग्राफ में एक वर्ड को सिलेक्ट किया, मान लीजिए मैं यहाँ हार्मफुल सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं इसको मार्क एंट्री कर लेती हूँ, यहाँ पे ओके करके आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं एक और सिलेक्ट यहाँ पे करके हमें क्लोज करना है। उसके बाद में मैं एक और सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ यूजुअली वर्ड सिलेक्ट कर लेती हूँ, यूजली सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे मार्क कर लिया मार्क एंट्री मार्क कर लिया है, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट इंडेक्स। पहले हम यहाँ एक ऑप्शन वहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट इंडेक्स मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ ओके करूँगी तो मेरे यहाँ पे एक इंडेक्स बन जाएगा, देखिए हार्मफुल एंड यूजली जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन है। अपडेट इंडेक्स कब काम करेगा, जब आप एक और सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉल्यूटेंट सिलेक्ट कर लिया, इसको भी मैंने मार्क एंट्री कर लिया, अब ये मार्क हो गया है लेकिन ये मेरे इंडेक्स में शो नहीं कर रहा है। अगर मुझे इसे अपने इंडेक्स में चाहिए तो मैं यहाँ से अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करूँगी तो ये मेरे इंडेक्स में भी शो हो जाएगा। देखिए यहाँ मेरे इंडेक्स में हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स यूजली जो जो मैंने 3 वर्ड सिलेक्ट किए थे वो मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। अब टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में क्या है, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है मार्क सिटेशंस। जैसे दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे जो हमने मार्क एंट्री करी थी हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल की फॉर्म में नहीं आया था, हमारा जस्ट ऐसे ही लिखा आ गया है। अब हमें टेबल की फॉर्म में चाहिए, लाइक इंडेक्स की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से कोई भी वर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं मार्क सिटेशन कर लेती हूँ मार्क। उसके बाद ऐसे ही क्लोज करके इसको मैं एक और वर्ड सिलेक्ट कर लेती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे ग्राउंड वाटर सिलेक्ट कर लेती हूँ, मान लीजिए इसको भी मैं मार्क सिटेशन कर देती हूँ। मार्क सिटेशन के बाद दोस्तों ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है साइड में मार्क आ रहा है आप इसको हाइड कर लीजिए होम टैब में जाके। उसके बाद दोस्तों आपने रेफरेंसेस टैब में जाएंगे दोबारा से और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करना है, लेकिन सबसे उससे पहले आपको यहाँ पे स्पेस बनाना है कि आपको उसका टेबल कहाँ चाहिए। आप जैसे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो आपने जो जो मार्क करा था सिटेशन में इन्वायरमेंट एंड ग्राउंड वाटर वो आपके भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब ये सेकेंड पेज नंबर पर दैट्स वाई यहाँ पे 2 आया है। उसके बाद दोस्तों जैसे हमने यहाँ अपडेट इंडेक्स पे क्लिक किया था ऐसे ही हम अपडेट टेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी सिटेशन और ऐड करनी है तो आप सिटेशन ऐड करके अपडेट कर सकते हैं, आपके पास यह टेबल में शो हो जाएगा।
होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। आज हमने रेफरेंसेस टैब क्लियर करा है। हमारा कल का टॉपिक रहेगा मेलिंग टैब। कल हम मेलिंग के बारे में सीखेंगे कि इसके अंदर क्या ऑप्शन होते हैं और क्या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।